हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कार्तिक पूर्णमासी की। कार्तिक पूर्णमासी 2024 में कब है? तो सनातन धर्म में हर तिथि का एक अधिक ही महत्व है अपनी अपनी जगह पर, और पूर्णमासी का भी बहुत ही अधिक महत्व है। तो इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है, साथ ही गंगा स्नान दान करने का भी महत्व है। कार्तिक पूर्णमासी के दिन गंगा स्नान कर दान पुण्य अगर करते हैं तो कहते हैं कि भगवान की आप पर कृपा होती है और आपके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ आती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिन देवी देवताओं का पृथ्वी पर आगमन होता है उनके भव्य स्वागत के लिए दीपक जलाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णमासी के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का संहार किया था। इसके अलावा कार्तिक पूर्णमासी के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म भी हुआ था। इस दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान और ध्यान किया जाता है। मान्यता है ऐसा करने से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं, वह पाप मुक्त हो जाता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को 6:19 पर होगी। वही इस तिथि का समापन अगले दिन 16 नवंबर को देर रात 2:58 पर होगा। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन जरूरी कार्य क्या करें? कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी के शिव परिवार की विशेष पूजा अर्चना करें, साथ ही प्री भोग अर्पित करें, नंबर दो है। इसके अलावा शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान भी करना चाहिए और मान्यता है कि स्नान करने के बाद दान पुण्य जरूर करें। नंबर तीन है चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने का भी विधान है। नंबर चार है उपासना करने के बाद श्रद्धा अनुसार दान करना बहुत ही शुभ होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की शादी भी कराई जाती है। बहुत से लोग जो तुलसी जी हैं और भगवान शालिग्राम है उनकी शादी देव उठनी एकादशी वाले दिन करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो वो कार्तिक पूर्णमासी पर करते हैं। तो आप दोनों दिन में जिस दिन भी आपको अपने सुविधा अनुसार आराम हो उस दिन आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो ज़्यादातर कार्तिक पूर्णमासी पर ही उनकी शादी करती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है? तो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो राक्षस तारकासुर था उसके तीन पुत्र थे, एक तारकच्छ, एक कमलाक्ष और एक विद्युन्नामली। भगवान शिव शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, जिसकी वजह से तीनों पुत्र बहुत ही दुखी हो गए और वह तीनों ही ब्रह्मा जी से को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। उन तीनों की घोर तपस्या को देखकर भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। उन्होंने वरदान में अमर होने का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने उनसे दूसरा वरदान मांगने के ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि जब आप तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएंगे तो देवता उन्हें एक बाण से नष्ट करेंगे, यही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर वह तीनों बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी से वरदान के बाद वह अपने नगरों का निर्माण करने लगे और एक ने सोने का, एक ने चांदी का तथा तीसरे ने लोहे का जो अपना नगर था वो बनवाया। उसके पश्चात उन तीनों ने सभी लोकों में अपना अधिकार जमा लिया। उनकी भय से सभी देवतागण भगवान शिव से सहायता मांगने के लिए गए। तब भगवान शंकर ने उन तीनों का अंत करने के लिए मान गए और भगवान विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए अद्भुत रथ निर्माण किया। सूर्य और चंद्रमा उस रथ के पहिए बने, भगवान इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बने, हिमालय ने धनुष का रूप लिया, शेषनाग धनुष की प्रत्यंचा बने, भगवान विष्णु बाण बने और अग्निदेव उस बाण की नोक बने। जब उस रथ पर सवार होकर भगवान शंकर उन तीनों त्रिपुरों का वध करने के लिए निकले तो सभी दैत्यों में हाहाकार मच गया और उन देवताओं और असुरों ने भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे ही वह तीनों भाई एक सीध में आए तभी भगवान शंकर ने एक ही बाण के प्रहार से उनका अंत कर दिया। तो इस तरीके से भगवान शिव ने जो तारकासुर है उनके तीनों बेटों का अंत किया और उसी दिन से ये कार्तिक पूर्णमासी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णमासी की पूजा सामग्री इस तरीके से है।
चावल रोली भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति, लकड़ी की चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा, सिंदूर, गंगाजल, पंचामृत, दीपक व बत्ती, फूल माला व फूल, फल मिठाई, नवेद। और कार्तिक पूजा वाले दिन घर को साफ सुथरा करके स्नान आदि करें, उसके बाद चौकी लगाएं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें, एक घी का दीपक जलाएं और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करें। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा पर क्या ना करें? करें इस दिन तामसी भोजन जैसे प्याज लहसुन आदि का सेवन ना करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन ना करें, ना नशीला पदार्थ खाएं, झूठ बोलना, धोखाधड़ी और जुआ जैसी पाप मुक्त क्रियाओं से दूरी बनाएं। इस दिन किसी दूसरे के हाथ का करने के बजाय स्वयं भोजन बनाएं, कठोर शब्द का उपयोग ना करें, हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम की भावना बनाएं। उस दिन भगवान भोजन को बर्बाद करने से बचें। कार्तिक पूर्णमासी के दिन किसी प्रकार की हिंसा से कार्तिक पूर्णमासी पर क्या करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े धारण करें, मंदिर जाकर या घर पर ही भगवान की पूजा करें। घर में दीपक और अगरबत्ती जलाने से शांतिपूर्ण वातावरण होता है। उस दिन भगवान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या कपड़ों का दान करें। कार्तिक पूर्णमासी के दिन जितना भी हो सके भगवान का भजन और प्रार्थना करें। उस दिन अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए उपवास रखें, जिससे आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर हो सके तो कार्तिक पूर्णमासी के दिन किसी न किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।